सो अफर्मेशन, कमिंग बैक टू अफर्मेशन, तो क्या करना है, आपने अफर्म करना है रोज, हो सके तो इसको रोज करो, राइट, फॉर कंप्लीट, यू नो, 50 days, कंप्लीट 50 days, नॉट अ सिंगल ब्रेक इन बिटवीन, ब्रेक नहीं देना है. आप ब्रेक दोगे, आप सबकॉन्शियस माइंड को ब्रेक दे दोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड को काम पे लगाए रखो, ठीक है, तो उसको बिल्कुल कोई बिठान, मतलब एक दिन का भी उसको रेस्ट नहीं देना हमने है ना, ऐसे करके सोच के चलना. दूसरा, राइट देम डाउन. नाउ जो भी आपकी अफर्मेशन ऐसी होती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको एक पेपर पे लिखेंगे, उसको लैमिनेट करवाएंगे, अगेन उसको अपने सामने रखेंगे, सामने रखेंगे, जितनी बार आपकी नजर जाएगी, अगेन आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, राइट. मेडिटेट करेंगे अपने अफर्मेशंस के ऊपर, जैसे कि मैंने बताया मेडिटेट कैसे करना है, विजुअलाइज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइज करेंगे, राइट. ये इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, राइट. और साथ में, मतलब यू नो, आप ये भी बोल सकते हो दैट आई रिलीज ऑल माय नेगेटिविटी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय लाइफ, बिकॉज ये नेगेटिविटी और जो ब्लॉकेजेस होती है हमारी लाइफ में ना, जो हमने खुद ने क्रिएट करी होती है ना, तो इसकी वजह से जो है आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही होती है, अगर कोई वो नहीं होती है तो, राइट. सो ऑलवेज यू नो, लाइक जब आप मेडिटेट करने बैठ रहे हो, उससे पहले या लास्ट में जब भी आपको याद आए, ऑलवेज से दिस लाइन दैट आई रिलीज ऑल माई नेगेटिविटी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माई लाइफ, ठीक है, ऐसे करके, है ना. सो मैंने कुछ अफर्मेशन आप लोगों के लिए लिखी है. अच्छा, एक तो हेल्थ रिलेटेड मैंने लिखी है, दैट आई अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी, आई लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है, आई अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी एंड आई लिव अ हेल्दी, मूविंग माई बॉडी एवरी डे. अगर कोई एक्सरसाइज में नहीं है, किसी भी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है, so start affirming this and start writing this. मैंने बोला ना, जब मैंने लिखा that I love reading, तो I started reading, ठीक है. So यहाँ पे आप लिखेंगे that I love moving my body every day. तो आपकी बॉडी क्या हो, अपने विजन बोर्ड के ऊपर एक अपना लगाइएगा that you know a picture of all the green leafy vegetables and fruits. ट्रस्ट मी, मैंने जब से वो लगाया अपने विजन बोर्ड के ऊपर, उसके बाद से, पहले तो मैं खाती थी, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, यू नो, आई यूज टू ईट सो मच फ्रूट, लाइक इतना फाइबर नहीं लेती थी, बट एवर सिंस यू नो आई हैव पुट दैट पिक्चर ऑन माई दिस विजन बोर्ड, उसके बाद से मैंने देखा है, मैं जब उसको रोज देखती हूँ ना, मेरा बिल्कुल रेगुलर बेसिस के ऊपर आई एम जस्ट गोइंग टू हैव दिस बिग बोल ऑफ फ्रूट्स एवरी डे अराउंड 12 PM, रोज का मेरा है. और जिस दिन नहीं खाऊंगी ना, तो उस दिन मुझे क्रेविंग होता अंदर से कि आज मैंने खाया नहीं, मैंने स्किप हो गया फॉर सम रीजन. नहीं तो आई वॉज नेवर अ पर्सन लाइक यू नो कि मैं फ्रूट बोल मैं रोज खा रही हूँ. अगेन दिस इज अनदर मैनिफेस्टेशन जो मेरे को अभी याद आ रहा है आप लोगों से बात करते हुए. टू फील ग्रेट ईच डे. सुप्रिया म्यूट कर. फील्स काम एंड पीसफुल. आई चूज टू थिंक पॉजिटिवली. नीटली ये लिखेंगे एंड ट्राई टू टेक यू नो डायरी विथ येलो पेजेस. और अगर येलो पेजेस नहीं है तो आप ऐसा करो कि चार्ट पेपर लो, उसको कट करो, उसको स्पाइरल करवा लो. ठीक है, एक छोटी सी चीज और, जैसे हमने जब पिछले मई से पॉजिटिव एनर्जी एंड अनएक्सपेक्टेड वेज. Money comes to me from all the directions. I attract money very easily and effortlessly. अच्छा, क्या कई बार क्या होता है ना, जब बहुत हमारे पास पैसा होने लगता है, तो यू नो वी जनरली टेंड टू गेट लिटिल कंफ्यूज्ड एंड स्केयर्ड. अच्छा, इतना आ रहा है तो कैसे संभालेंगे, है ना. तो उसके लिए भी एक अफर्मेशन होना चाहिए, राइट. तो जब आना स्टार्ट होगा, सो आई नो हाउ टू हैंडल मनी वाइजली.
राइट, तो वो वाइजली यूज करना भी तो आना चाहिए ना. आई नो हाउ टू हैंडल मनी वाइज. एवरीथिंग आई टच टर्न्स इनटू गोल्ड. इसमें जितनी भी मैं अफर्मेशन दे रही हूँ, इसका आप एक प्रिंट आउट निकलवा के जो भी आपको लग रहा है यू नो दिस इज राइट फॉर यू, राइट, उसको आप विजन बोर्ड पे भी लगा सकते हो अच्छा से एक प्रिंट आउट निकलवा के, ठीक है ना. दैट ऑल्सो यू कैन डू. माई इनकम इज राइजिंग एट अ रैपिड रेट, ठीक है. माई इनकम इज राइजिंग एट अ रैपिड रेट.